सिरसा से मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने फिर से एक बार भाजपा पर आरोपों की छड़ी लगाते हुए कहा कि सिरसा में जहां ईवीएम सुरक्षित स्थान पर है, वहीं मैंने भी दिन रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौकसी पर लगाया हुआ है। उन्होंने आगे यह भी कहा, कुछ भी हो जाए, हम भाजपा को ईवीएम के साथ हेराफेरी नहीं होने देंगे। मैं कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आपने संबोधन में कहा था कि जो अपने ही हैं, जिस तरह से बूथ एजेंट वगैरह नहीं थे आपके मतगणना के दिन, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो दो चार साथियों के बाद आई थी। कई जगह कोई बीमार भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जिसने जिम्मेदारी ली, हो सकता है कई कोई समय पे ना पहुंचे, तो उसका हमने पूरा फीडबैक लिया है। जो फॉर्म C-17 है वो भी हम लेंगे, काउंटिंग एजेंट्स को भी पूरा दुरुस्त करके अंदर भेजेंगे कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने चेक करना है, कैसे कैसे सूची तैयार करनी है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद है और वो मुस्तैदी से उसने वोट भी डलवाए हैं, अब पहरा भी दे रहा है और आने वाले समय में जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ भी पूरी। तो हमने तो आज ये छठा विधानसभा हल्का था जिसकी हमने सारे जो पोलिंग हमारे एजेंट्स थे उनकी अभी मीटिंग ली है और सब जगह से भारी जो है लोगों के अंदर उत्साह भी है और सबका ये कहना है कि लोगों ने ढूंढ ढूंढ के हाथ का निशान देख देख करके उसके सामने बटन दबाए हैं, इसलिए ऐतिहासिक जीत होगी। अभी 3 हलके और आज हम करेंगे सबसे फीडबैक लेकर के, और अंदर जो है अच्छे हमारे जो साथी हैं जिनको मशीनों का ज्ञान है किस तरीके से क्या क्या होता है, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं, उन साथियों को काउंटिंग एजेंट के तौर पर हम अंदर। चंद्रबाबू नायडू में सभी विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग के बाहर धरना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जो वीवीपैट से उनकी मतगणना की जाए, किस तरह से देखते हैं क्या कुछ है? देखिए सिस्टम क्या हो तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टियों ने तय करना है, इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, लेकिन जो प्रक्रियाएँ हैं जिससे सारी पार्टियाँ संतुष्ट हो और लोकतंत्र मजबूत हो, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो सुनिश्चित हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो वो चीज़ें करने में मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई देर लगानी चाहिए या उसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। बाकी तो सारी पार्टियां आप कह रहे हैं धरने पे बैठी हैं, गई है, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और उस अधिकार के माध्यम से हम लोग भी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। हम भी लोग बैठे हैं और ये टोहाना में ही बार बार ये यहाँ पर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या भाजपा के खुद अध्यक्ष यहाँ पर हैं, वो परेशान हैं, उनका खुद का बूथ हार रहे हैं इस बार, इसलिए मशीनों को गड़बड़ करी जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में। 23 तारीख नजदीक है परसों, किस तरह से देखते हैं हरियाणा में, किस तरह का हरियाणा में हम कम से कम 5-6 सीटें जीतेंगे, कम से कम इतनी है और 10 की 10 भी जीत सकते, बहुत बढ़िया अच्छी रिपोर्ट आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग रूम की मशीनों की सुरक्षा के को लेकर के ये कई दिन से हमारे साथी बैठे हैं और आपको सबको पता है यहाँ एक दिन एक ट्रक आ गया था, उसमें मशीनें थी, क्या ड्रम शट्रम था क्या था, तो रखे तो उसमें मशीनें ही जाती हैं, जो बॉक्स आए थे पूरा एक ट्रक भर के आया था सरकारी गाड़ी में, उसमें टोहाना का तहसीलदार था, कहते हैं DSP के पास परमिशन किसी के पास थी नहीं, तो जो बहुत तरह की घालमेल और शंकाएं जताई जाती है कि ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ खिलवाड़ करती है मशीनों के साथ, तो उस तरह की उसके बाद हमने और ज़्यादा लोग लगा दिए, तो रात दिन ये 24 घंटे का पहरा देते हैं हमारे साथी। तो कितने दिन से यहाँ ये बैठे हैं? ये तो 8-9 दिन हो गए, जिस दिन वो ट्रक आया था वो उस दिन से तो पहले भी आते जाते थे, देखते थे, लेकिन उस दिन के बाद तो ये हिले ही नहीं है और चारों तरफ से परमानेंट है। उसके बाद बता रहे हैं एक दिन एम्बुलेंस आई थी, उससे कुछ सामान उतर रहा था, दो गाड़ी और आ ली, बिना नंबर की गाड़ियाँ घूमती है यहाँ पर। तो किस प्रकार का शक है जी आपको, क्या ईवीएम बदली जा सकती है? नहीं वो बताते हैं, हम तो बदलने तो नहीं देंगे, इतना आसान तो नहीं है, हमारे जिंदा रहते हुए तो बदल नहीं सकते जो कायर और भ्रष्ट लोग हैं। तो निगरानी जारी रहेगी जी? निगरानी रात दिन ये पूरी निगरानी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मशीनों में वैसे तो सब वोटरों ने भागे उम्मीदवारों का पार्टियों का उसमें बंद कर दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है
कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये सीट भी जीतेगी, देश की ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके हम राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और ये जो सर्वे और जो जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं 2014 की तरह 2019 में भी ये सारे फेल हो जाएंगे और जनता की जीत होगी, किसान मजदूर का राज। बीजेपी पहले से जश्न मनाना शुरू कर दिया है, बोले जश्न तो भाई कुछ भी सपने में कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आपने संबोधन में कहा था कि जो अपने ही हैं, जिस तरह से बूथ एजेंट वगैरह नहीं थे आपके मतगणना के दिन, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो दो चार साथियों के बाद आई थी, कई जगह कोई बीमार भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जिसने जिम्मेदारी ली, हो सकता है कहीं कोई समय पे ना पहुंचे, तो उसका हमने पूरा फीडबैक लिया है। जो फॉर्म C-17 है वो भी हम लेंगे, काउंटिंग एजेंट्स को भी पूरा दुरुस्त करके अंदर भेजेंगे कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने चेक करना है, कैसे कैसे सूची तैयार करनी है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद है और वो मुस्तैदी से उसने वोट भी डलवाए हैं, अब पहरा भी दे रहा है और आने वाले समय में जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ भी पूरी। तो हमने तो आज ये छठा विधानसभा हल्का था जिसकी हमने सारे जो पोलिंग हमारे एजेंट्स थे उनकी अभी मीटिंग ली है और सब जगह से भारी जो है लोगों के अंदर उत्साह भी है और सबका ये कहना है कि लोगों ने ढूंढ ढूंढ के हाथ का निशान देख देख करके उसके सामने बटन दबाए हैं, इसलिए ऐतिहासिक जीत होगी। अभी 3 हल्के और आज हम करेंगे सबसे फीडबैक लेकर के और अंदर जो है अच्छे हमारे जो साथी हैं जिनको मशीनों का ज्ञान है किस तरीके से क्या क्या होता है, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं, उन साथियों को काउंटिंग एजेंट के तौर पर हम अंदर। चंद्र बाबू नायडू समेत सभी विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग के बाहर धरना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जो VVPAT से उनकी मतगणना की जाए, किस तरह से देखते हैं क्या कुछ है? देखिए सिस्टम क्या हो तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टियों ने तय करना है, इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, लेकिन जो प्रक्रियाएँ हैं जिससे सारी पार्टियाँ संतुष्ट हो और लोकतंत्र मजबूत हो, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो सुनिश्चित हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो वो चीज़ें करने में मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई देर लगानी चाहिए या उसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। बाकी तो सारी पार्टियां आप कह रहे हैं धरने पे बैठी है गई है, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और उस अधिकार के माध्यम से हम लोग भी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, हम भी लोग बैठे हैं और ये टोहाना में ही बार बार ये यहाँ पर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या भाजपा के खुद अध्यक्ष यहाँ पर हैं, वो परेशान हैं, उनका खुद का बूथ हार रहे हैं इस बार, इसलिए मशीनों को गड़बड़ करी जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में। 23 तारीख नजदीक है परसों, किस तरह से देखते हैं हरियाणा में किस तरह का परफॉर्मेंस? हरियाणा में हम कम से कम 5-6 सीटें जीतेंगे, कम से कम इतनी है और 10 की 10 भी जीत सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, अर्थ प्रकाश के लिए सिरसा से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।